नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ आप सबके लिए, वो एमएस वर्ड में कौन कौन से टैब होते हैं, कौन कौन सी बार होती है और रिबन्स की बात करेंगे। टैब, रिबन्स और बार पर अपना आज बात करेंगे। क्या होते हैं टैब, क्या होते हैं रिबन और क्या होती है बार, इस पर आपने विस्तार से बात करेंगे। तो जो भी साथी लाइव देख रहे हैं इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन क्लासेज के अगर आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले छोटी सी जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे साथी संगणक की तैयारी कर रहे हैं, ओनली कंप्यूटर विषय का कोर्स है, 499 है। आज रात 12 बजे तक आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो इसकी प्राइस है वो 299 है। दोस्तों पटवार का बैच लाइव चल रहा है, सुबह 7 बजे लाइव क्लास होती है, दोस्तों क्लासरूम से लाइव है। उसके बाद बात करें तो सूचना सहायक का ये लाइव बैच चल रहा है, जो भी मेरे साथी सूचना सहायक की तैयारी करते हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस एप्लीकेशन का लिंक भी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एक तो अपने पास है टैब, फिर अपने पास क्या है एक वर्ड रिबन, और उसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, बार के बारे में। अब ये जो पूरा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी लेंथी टॉपिक है, बड़ा भी है, छोटा नहीं है, बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी अपने चर्चा करते हैं, पूरे पार्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, रिबन, टैब और बार की अगर बात करें तो हमारे कंप्यूटर की जो मेन स्क्रीन होती है, हमारे कंप्यूटर की जो मेन स्क्रीन होती है दोस्तों, वो स्क्रीन क्या कहलाता है, कंप्यूटर का डेस्कटॉप कहलाता है। क्या कहलाता है, डेस्कटॉप। यानी कि अगर इस बोर्ड की बात करें तो ये मेन स्क्रीन है, तो हम कह सकते हैं ये इसका क्या है, डेस्कटॉप। हालांकि अभी तो इस पे प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन कंप्यूटर की जो मेन स्क्रीन जब आप ऑन करते हो तो मेन स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। और डेस्कटॉप पर अगर बात करें दोस्तों बार की, तो डेस्कटॉप पर एकमात्र बार होती है और उसी बार का नाम होता है टास्क बार। कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर बार की संख्या कितनी होती है, एक होती है, और वो कौन सी बार होती है, टास्क बार है। अब अगर आपसे पूछे कि ये टैब, रिबन और बार होते क्या है, देखिए दोस्तों एक वर्जन आया था 2003, उनमें क्या हुआ करते थे, मेन्यू होते थे, और मेन्यू के अंदर जो मेन्यू होते थे उनको हम क्या कहते थे, सब मेन्यू कहते हैं। अब 2007 से मेन्यू को तो कह दिया टैब और सब मेन्यू को कह दिया दोस्तों क्या, रिबन कह दिया। तो पुराने जो वर्जन थे उसमें मेन्यू होते थे, अब 2007 से क्या हुआ, टैब स्टार्ट हुआ। तो टैब, रिबन और बार की शुरुआत भी कौन से वर्जन से हुई, 2007 से हुई। कौन से वर्जन से हुई, 2007 से। पहले क्या होते थे, मेन्यू, और मेन्यू के अंदर अगर आप क्लिक करते थे तो क्या निकलते थे, सब मेन्यू होते थे। लेकिन अब क्या है, टैब, और टैब पर जब आप क्लिक करते हो तो जो भी ऑप्शन दिखाई देते हैं वो क्या होती है, रिबन होती है। बार का मतलब क्या होता है, स्क्रीन पर जितनी भी पट्टियां लगी होती है, जैसे आपको ये बोर्ड पे पट्टी दिखाई दे रही हो, इसको हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ये कौन कौन सी बार होती है, अब तक जितनी अपनों ने बात की है दोस्तों, टैब, रिबन और बार में जो हमारी मेन स्क्रीन होती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पर बार की संख्या एक होती है और उस बार का नाम क्या होता है, टास्क बार होता है। डेस्कटॉप पर बार की संख्या एक और उस बार का नाम क्या होता है, टास्क बार होता है। तो देखिए डेस्कटॉप पे बार की संख्या किस प्रकार से है, इसको अपन अब विस्तार से समझते हैं। जब आप डेस्कटॉप पे होते हैं, मेन स्क्रीन पे होते हैं, तो आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, और सबसे नीचे यहां पर एक पट्टी होती है, एक बार होती है, और इस बार का नाम क्या होता है दोस्तों, टास्क बार होता है। इस बार का नाम क्या है, टास्क बार है। ये जो सबसे नीचे वाली बार होती है, इस बार का नाम क्या होता है दोस्तों, टास्क बार होता है। देखिए कंप्यूटर की मेन स्क्रीन जो होती है उस पर बार की संख्या केवल कितनी होती है, एक होती है, और उसी बार का नाम क्या होता है, टास्क बार होता है। ये हमारा कंप्यूटर की मेन स्क्रीन होती है। यहाँ पर जैसे माई कंप्यूटर है, माई रिसाइकिल बिन है, नेटवर्क्स है, जितने भी हमारे कंप्यूटर के आइकन्स होते हैं वो यहाँ दिखाई देते हैं, और सबसे नीचे क्या होती है, बार होती है। टास्क बार की अगर दोस्तों बात करें तो टास्क बार की पोजिशन, टास्क बार की पोजिशन चार प्रकार से हो सकती है। बाय डिफॉल्ट टास्क बार स्क्रीन के कहाँ होती है, बॉटम में होती है। आप चाहें तो इसको कहाँ लगा सकते हैं, लेफ्ट में लगा सकते हैं,
आप चाहें तो इसको कहाँ लगा सकते हैं दोस्तों, राइट में लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको स्क्रीन के कहाँ लगा सकते हैं, टॉप में भी लगा सकते हैं। टास्क बार की पोजीशन कितनी है, चार। कौन कौन सी जगह लगा सकते हो, नीचे की साइड, बॉटम, टॉप, लेफ्ट और राइट। तो स्क्रीन पर टास्क बार पहले से कहाँ होती है, तो स्क्रीन के कहाँ होती है, बॉटम में। तो बाय डिफॉल्ट टास्क बार की पोजीशन क्या है, स्क्रीन के बॉटम में है। आप चाहें तो इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, बॉटम में, लेफ्ट में, टॉप में और राइट में। क्या स्क्रीन के टास्क बार टॉप में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेफ्ट में आ सकती है, आ सकती है, राइट में आ सकती है, आ सकती है, और पहले से कहाँ होती है दोस्तों, बॉटम में होती है। अब अगर बात करें इसी टास्क बार की, तो ये जो टास्क बार है इसकी लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ पर एक बटन दिया होता है इस तरीके का। इस बटन का नाम क्या होता है, स्टार्ट बटन। क्या होता है, स्टार्ट बटन बोल दो, चाहे आप इसको स्टार्ट मेन्यू कह सकते हैं, स्टार्ट ए बटन, स्टार्ट ए बटन। हमें क्या दिया हुआ है, स्टार्ट बटन दिया हुआ है। टास्क बार की कौन सी साइड, लेफ्ट साइड पे जो बटन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट बटन। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं था, तो विंडो जो 8 आई थी उसके अंदर स्टार्ट बटन नहीं था। विंडो 8 के अंदर अगर आपसे पूछे क्या है स्टार्ट बटन की बात करें, तो विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं है, विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं है दोस्तों। तो विंडो 8 में स्टार्ट बटन के स्थान पर किसका यूज किया जाता था, लाइव टाइल्स का यूज किया जाता था। विंडो 8 में स्टार्ट बटन के स्थान पर दोस्तों किसका यूज किया जाता था, लाइव टाइल्स का यूज किया जाता था। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं था, विंडो 8। विंडो 8 से पहले की बात करें तो 7 की बात करो, विस्टा की बात करो, एक्सपी की बात करो, 98 की बात करो, 95 की बात करो, इन सब में क्या था, स्टार्ट बटन था। लेकिन नए वर्जन की अगर बात करें, 8 आया तो स्टार्ट बटन नहीं था, फिर वापस जब विंडो 10 और अब 11 आया है तो वो स्टार्ट बटन है। लेकिन और ध्यान रख लेना कि विंडो अगर 11 की बात करें, विंडो अगर 11 की बात करें तो इसमें स्टार्ट बटन स्क्रीन के कहाँ है, हाँ सर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन स्क्रीन के किस साइड है, लेफ्ट साइड है। लेकिन विंडो 11 में बाय डिफॉल्ट स्टार्ट बटन स्क्रीन के कहाँ है दोस्तों, सेंटर में है। यानी कि स्टार्ट बटन कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, कौन से में, विंडो 11 में। और विंडो 11 की अगर साथियों बात करें तो ये कब रिलीज हुई, 5 अक्टूबर 2021 को। विंडो 11 कब रिलीज हुई, 5 अक्टूबर 2021 को विंडो 11 रिलीज हुई। विंडो 11 में स्टार्ट बटन किस साइड है, सेंटर में। बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन किस साइड है दोस्तों, लेफ्ट साइड में है। सबसे नीचे वाली बार कौन सी है, टास्क बार। टास्क बार की पोजीशन क्या होती है, बॉटम, चाहे तो लगा सकते हैं टॉप में, लेफ्ट में और राइट में, कहीं भी आप लगा सकते हैं। और जो स्टार्ट बटन है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि विंडो जो 8 है उसमें स्टार्ट बटन नहीं है, उसके स्थान पर क्या थे, लाइव टाइल्स से। विंडो 11 में भी स्टार्ट बटन है, लेकिन थोड़ा चेंज है कि विंडो 11 में बाय डिफॉल्ट स्टार्ट बटन की पोजीशन क्या है, स्क्रीन के सेंटर में है या टास्क बार के सेंटर में है। अब अगर इधर बात करें दोस्तों, तो ये टास्क बार के यहाँ पर आपने देखा होगा डेट एंड टाइम दिखाई देता है, जैसे वॉल्यूम का बटन दिखाई देता है, ये सारे के सारे पार्ट होते हैं दोस्तों। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ट्रे कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम ट्रे कहते हैं। टास्क बार की अगर बात करें तो टास्क बार का जो राइट साइड वाला एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ट्रे कहते हैं। ध्यान देना, सिस्टम ट्रे से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। अगर आप अपने कंप्यूटर में क्या देख रहे हैं, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम की बात करें, अगर आपने क्या करना हो, वॉल्यूम कोई कम ज़्यादा करना हो, तो आपके पास अगर कंप्यूटर में वाईफाई चल रहा है तो उसकी जानकारी, आपके कंप्यूटर में अगर लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है तो उसकी जानकारी, आपके अगर कंप्यूटर में ब्लूटूथ चल रहा है तो उसकी जानकारी, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर क्या आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो उसकी जानकारी भी कहाँ से मिलती है, सिस्टम ट्रे से मिलती है। तो राइट साइड वाला जो एरिया है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ट्रे। ये पटवार के अंदर सवाल पूछा गया था कि कंप्यूटर में डेट एंड टाइम कहाँ दिखाई देते हैं, तो दोस्तों कहाँ दिखाई देते हैं, सिस्टम ट्रे के अंदर। सिस्टम ट्रे के अंदर क्या क्या दिखाई देता है, डेट एंड टाइम होता है, वॉल्यूम होता है, वाईफाई होता है, लैन होता है, ब्लूटूथ होता है, नोटिफिकेशन होता है। विंडो 10 के और विंडो 11 के सारे नोटिफिकेशन, विंडो 10 और विंडो 11 के,
ये जो नोटिफिकेशन है ये कहाँ दिखाई देते हैं दोस्तों, तो आप बता देना, सिस्टम ट्रे में दिखाई देते हैं। तो हमारे पास टास्क बार की लेफ्ट साइड में क्या आ गया, स्टार्ट बटन, और राइट साइड में हमारे पास क्या आ गई, सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे से डेट एंड टाइम, वाईफाई, वॉल्यूम, लैन, चाहे ब्लूटूथ की बात करें, चाहे आप कोई भी यूएसबी डिवाइस जोड़ते हैं कंप्यूटर से, कोई भी अगर यूएसबी डिवाइस जोड़ते हैं तो उसकी जानकारी भी कहाँ मिलती है दोस्तों, सिस्टम ट्रे के अंदर मिलती है। ये थी हमारे पास क्या, सिस्टम ट्रे। अब अगर बात करें विंडो 10 के अंदर, एक बहुत अच्छा सवाल बताने जा रहा हूँ आप सबको, समझिएगा। विंडो 10 के अंदर क्या है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन को अगर आप चाहें कुछ समय तक क्या करना, स्नूज करना, तो विंडो 10 के अंदर हमारे पास एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दिया गया है जिसका नाम क्या है दोस्तों, फॉक्स असिस्ट है। उसका नाम क्या है, फॉक्स असिस्ट। एक विंडो 10 के अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है फॉक्स असिस्ट। जैसे मान लो अगर आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जैसे वायरस का आ रहा है, कंप्यूटर स्लो का आ रहा है, या हार्ड डिस्क फुल का आ रहा है, बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, इंटरनेट ऑन का, ऑफ का, ये सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इससे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आप फॉक्स असिस्ट में जाकर आप टाइम बाउंड कर सकते हैं कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक, इतने समय तक नोटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए। तो हम किस में जाकर कर सकते हैं दोस्तों, फॉक्स असिस्ट। फॉक्स असिस्ट क्या है, तय समय सीमा तक आपकी स्क्रीन पर कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं होगा, और जैसे टाइम कंप्लीट होगा उसके बाद सारे नोटिफिकेशन आपको दिखाई देंगे। ये हमारे पास विंडो 10 के अंदर एक यूटिलिटी है, किस नाम से, फॉक्स असिस्ट के नाम से दोस्तों। तो फॉक्स असिस्ट हमारे पास विंडो 10 की एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसको नोटिफिकेशन को क्या कर सकता है, ये स्नूज कर सकता है। जैसे अपने सुबह अलार्म लगाते ना उठने के लिए, तो अब अलार्म क्या है, बजने का टाइम आ गया, अब आपने क्या किया, स्नूज लगा के छोड़ा, 5 मिनट का 10 मिनट का कर रखा है, तो 10 मिनट बाद वापस स्टार्ट होता है। तो स्नूज कर सकते हो आप किनको, नोटिफिकेशन को, किसकी सहायता से, फॉक्स असिस्ट की सहायता से। ये सबसे नीचे वाली बार है दोस्तों जिसका नाम क्या है, टास्क बार है। अभी जितनी भी मैंने बातें की है यहां पर केवल और केवल किससे संबंधित है, टास्क बार से संबंधित है। ध्यान देना, स्क्रीन के ऊपर कोई भी बार नहीं होती दोस्तों, मेन स्क्रीन पर कोई भी ऊपर बार नहीं होती, केवल और केवल सबसे नीचे होती है जिसका नाम क्या है, टास्क बार है। क्लियर है बात यहां तक। अब अपन बात करते हैं, आगे पार्ट में चलते हैं। अगर आप क्या स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, एमएस वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं, किसको स्टार्ट कर लेते हैं, एमएस वर्ड को आप स्टार्ट कर लेते हैं, तो एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे नीचे तो बार आपके पास ऑलरेडी है, उसके बाद स्क्रीन के सबसे ऊपर भी एक क्या आती है, पट्टी आती है, बार आती है। ये स्क्रीन के सबसे ऊपर वाली क्या है दोस्तों, बार है। सबसे नीचे वाली बार सबको पता है, इसका नाम क्या है दोस्तों, टास्क बार है। क्या नाम है, टास्क बार है। सबसे ऊपर वाली दोस्तों जो बार है, इस बार का नाम है टाइटल बार। सबसे ऊपर वाली जो बार है उसका नाम क्या है, टाइटल बार। सबसे नीचे वाली बार टास्क बार, सबसे ऊपर वाली बार टाइटल बार। अब हमने एमएस वर्ड स्टार्ट किया है, तो एमएस वर्ड स्टार्ट करोगे तो सबसे नीचे भी बार आती है, सबसे ऊपर भी बार आती है। सबसे ऊपर वाली बार कौन सी होती है, टाइटल बार है। देखिए दोस्तों, अगर टाइटल बार की अगर बात करें तो टाइटल बार के लेफ्ट साइड में यहां एक बटन दिया होता है, और इस बटन का नाम क्या है, ऑफिस बटन। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में एक बटन है जिसका नाम क्या है, ऑफिस बटन। दोस्तों अगर ऑफिस बटन की बात करें तो ऑफिस बटन केवल और केवल कौन से वर्जन में उपलब्ध है, 2007। एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन है जिसमें ऑफिस बटन है, तो बता देना 2007 में ऑफिस बटन है। उसके बाद 10, 13, 16, 19, 21 इनमें ऑफिस बटन नहीं है। पूरे बताऊंगा मैं, 7 से लेकर 21 तक की पूरी जानकारी शेयर करूंगा। अब आप देखिएगा कि 2007 के अंदर क्या है, ऑफिस बटन है। बिल्कुल जो बीच का पार्ट होता है दोस्तों, ये जैसे मान लो मैंने लिखा हुआ है ए बी सी, तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइल नेम। जो भी आपके डॉक्यूमेंट के क्या होते हैं, नेम होते हैं, जो आपने फाइल बनाई है उसका नेम होता है, वो टाइटल बार के कहाँ दिखाई देता है दोस्तों, सेंटर में दिखाई देता है। ध्यान देना, टाइटल बार के सेंटर में क्या आते हैं, फाइल नेम। लेफ्ट साइड में क्या आता है, ऑफिस बटन। ये केवल 2007 की बात है दोस्तों, पूरी क्लास देखना तब जाके क्लियर होगा कि 7, 10, 13, 16 और 19, 21 में क्या डिफरेंस आया है। इस साइड अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर 3 बटन लगे होते हैं हमारे पास से। सबसे पहले होता है माइनस सिंबल होता है, ये ब्रेकेट, ये स्क्वायर बना होता है, और क्रॉस होता है। इन तीनों बटन्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कंट्रोल बटन। क्या कहते हैं, कंट्रोल बटन कहते हैं। ये तीनों बटन क्या होते हैं, कंट्रोल बटन। सबसे पहला जो माइनस वाला सिंबल होता है दोस्तों, ये किसके लिए होता है,
मिनिमाइज के लिए। दूसरा हमारे पास है जो बटन होता है, ये क्या होता है, रिस्टोर के लिए, इसके लिए होता है रिस्टोर के लिए। और तीसरा हमारे पास क्या होता है दोस्तों, क्लोज के लिए होता है। मिनिमाइज से क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका जो भी वर्ड या एक्सेल प्रोग्राम चल रहा है वो टास्क बार पर सिमट जाएगा, टास्क बार पर आ जाएगा। इसकी अगर बात करें रिस्टोर की तो ये हमारे पास क्या होता है दोस्तों, रिस्टोर होता है। रिस्टोर की अगर बात करें तो इसका यूज किया जाता है विंडो के कैस्केड स्टाइल के लिए, विंडो के कैस्केड स्टाइल के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, रिस्टोर का यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, रिस्टोर की अगर बात करें तो विंडो का कैस्केड स्टाइल क्या होता है, जैसे मेरा ये डेस्कटॉप था, इस डेस्कटॉप पे जैसे मैंने एमएस वर्ड चलाया तो इस एमएस वर्ड के पीछे छुप गया डेस्कटॉप। आप चाहते हैं कि आधी स्क्रीन पर इस तरीके से हमारा एमएस वर्ड चले और आधी स्क्रीन पे पीछे डेस्कटॉप दिखाई दे, तो आप किसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, रिस्टोर का। और वो कौन सा स्टाइल कहलाता है दोस्तों, कैस्केड स्टाइल कहलाता है। यानी कि आपका प्रोग्राम भी दिख रहा है और आपका पीछे डेस्कटॉप भी दिख रहा है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, कैस्केड स्टाइल का यूज करते हैं, या उस स्टाइल को हम क्या बोलते हैं, कैस्केड स्टाइल। किसके लिए यूज करते हैं, जब आप अपने प्रोग्राम के साथ साथ डेस्कटॉप भी देखना चाहें तो हम किसका यूज कर सकते हैं, कैस्केड का यूज कर सकते हैं। तो वो किससे होता है, रिस्टोर। और लास्ट हो क्या है, क्लोज। क्लोज से आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है दोस्तों, बंद हो जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, सबसे नीचे वाली बार थी टास्क बार। इस टास्क बार का आप सबको पता है यहां हमारे पास क्या था, स्टार्ट बटन। यहां हमारे पास क्या है, स्टार्ट बटन है, ये आ गया स्टार्ट बटन। और इस साइड, इस एरिया का नाम क्या है दोस्तों, सिस्टम ट्रे। क्या है, सिस्टम ट्रे। टास्क बार की अगर बात करें तो स्क्रीन के कहां होती है दोस्तों, बॉटम में होती है। वो सबसे ऊपर वाली बार की बात करें तो टाइटल बार। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑफिस बटन, और राइट साइड में कंट्रोल बटन। बिल्कुल सेंटर में क्या होते हैं, फाइल नेम। अगर आपसे पूछे फाइल नेम कौन सी बार पे दिखाई देते हैं तो टाइटल बार पे। कहां दिखाई देते हैं, टाइटल बार के बिल्कुल है सेंटर में। अब अगर बात करें दोस्तों ऑफिस बटन की, तो ऑफिस बटन केवल और केवल कौन से वर्जन में था, 2007 में। ऑफिस बटन का काम क्या है दोस्तों, न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, रिसेंट डॉक्यूमेंट, रिसेंट डॉक्यूमेंट और वर्ड ऑप्शन, वर्ड ऑप्शन, रिसेंट डॉक्यूमेंट और वर्ड ऑप्शन। अगर इनमें से कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो 2007 में कहां जाना पड़ता है, ऑफिस बटन में। याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। ऑफिस बटन की अगर बात करें तो ऑफिस बटन केवल और केवल कौन से वर्जन में है, 2007 में। काम क्या है दोस्तों, न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, रिसेंट डॉक्यूमेंट और वर्ड ऑप्शन। इनमें से कोई भी आपको टास्क परफॉर्म करना है तो किस में आना पड़ेगा आपको, ऑफिस बटन। और ऑफिस बटन केवल और केवल 2007 में, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, केवल और केवल कौन से वर्जन में है, 2007 में। अब अगर देखें तो आप सब जानते हैं क्या, न्यू के बारे में सब जानते हैं, ओपन के बारे में जानते हैं, सेव, सेवेज, प्रिंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप दस्तावेज की कौन सी कॉपी लेना चाहते हो, हार्ड कॉपी, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, प्रिंट का। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट करने से पहले, प्रिंट करने से पहले, प्रिंट करने से पहले देखा जाने वाला व्यू, देखा जाने वाला व्यू ही कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग दिखाई नहीं देती, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब, अगर आपने बैकग्राउंड बदला हुआ है, फॉन्ट का कलर बदला हुआ है, जो भी आपने फॉर्मेटिंग की हुई है, तो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग शो नहीं होती दोस्तों, नहीं होती। कई बार सवाल पूछा गया है, नहीं होती। कौन से व्यू के अंदर, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर। प्रिंट प्रीव्यू में डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग शो नहीं होती। प्रिंट प्रीव्यू का यूज कब करते हैं, प्रिंट करने से पहले। अगर आप ये देखना चाहें कि प्रिंटिंग के दौरान ये किस तरीके से पेज पर प्रिंट होगा, तो आप उसका क्या करके देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हैं। क्लियर होगी बात।
उसके बाद हमारे पास क्या है, रीसेंट डॉक्यूमेंट। रीसेंट डॉक्यूमेंट को मैं नए पेज पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए रीसेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, रीसेंट डॉक्यूमेंट, रीसेंट डॉक्यूमेंट दोस्तों, रीसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है हाल ही में यूज किए गए डॉक्यूमेंट, हाल ही में यूज किए गए डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं, रीसेंट डॉक्यूमेंट। जैसे अपने पास कॉल आते हैं ना, जैसे अभी कोई आपके पास फोन आया, जैसे डिस्कनेक्ट किया दूसरा फोन आ गया तो उसकी लिस्ट ऊपर हो जाती है, वैसे ही आपको एमएस वर्ड में जितने भी डॉक्यूमेंट आप ओपन करते हैं उन सब की जानकारी किसके पास होती है, रीसेंट के पास, आप सबको पता है। लेकिन रीसेंट डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट अगर आपसे पूछे तो इस लिस्ट में कितनी फाइलें हो सकती है, 17 फाइल दोस्तों। इस 17 फाइल के दो रूल होते हैं, एक होता है विद नंबर, एक क्या होता है विद नंबर, और एक क्या होता है दोस्तों विदाउट नंबर, एक विद नंबर और एक क्या होता है विदाउट नंबर। जैसे आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे रिसेंट पे जाएंगे तो इस तरीके से आप जैसे जैसे फाइल खोलते जाएंगे क्लोज करते जाएंगे तो ऐसे कितनी फाइलें दिखाई देगी, 17 फाइल। इस 17 फाइल में क्या होगा, विद नंबर क्या होगी, 1 से 9 तक की फाइल, यानी कि विद नंबर में 1 से 9 ऐसी फाइलें होती है दोस्तों जिनके आगे नंबर लगा होता है, और 10 से लेकर 17 तक ऐसी फाइलें होती है जिनके आगे नंबर है नहीं लगा होता। पहला सवाल बना कि रिसेंट डॉक्यूमेंट में फाइलों की संख्या कितनी होती है डिफॉल्ट है, तो आप बता सकते हैं कितनी होती है, 17। कितनी होती है, 17। अगर आप कम ज्यादा करना चाहें तो कम कितना कर सकते हैं, ज्यादा कितना कर सकते हैं, तो इस 17 फाइल को आप अधिकतम कितना कर सकते हैं दोस्तों, 50 फाइल कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि रीसेंट डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम, रीसेंट डॉक्यूमेंट में आप मैक्सिमम कितनी फाइलों को रख सकते हैं, तो 50 फाइलें हो सकती है। बाय डिफॉल्ट कितनी, 17, और मैक्सिमम कितनी होती है, 50। अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट संख्या की बात करें तो 17 है, और अगर आप इस 17 को क्या करना चाहते हो, 50 करना चाहते हैं, तो कहां से होगी दोस्तों, वर्ड ऑप्शन से। तो वर्ड ऑप्शन क्या होता है, एमएस वर्ड की जितनी भी सेटिंग है वो सारी की सारी कहां से होती है, वर्ड ऑप्शन से होती है दोस्तों। वापस देखिएगा सबसे ऊपर वाली बार कौन सी है, टाइटल बार। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में ऑफिस बटन, राइट साइड में कंट्रोल बटन, बिल्कुल सेंटर में फाइल नेम। ऑफिस बटन का काम है न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, रीसेंट डॉक्यूमेंट, वर्ड ऑप्शन। प्रिंट का मतलब है हार्ड कॉपी, प्रिंट करने से पहले देखा जाने वाला व्यू क्या कहलाता है, प्रिंट प्रीव्यू। ध्यान देना प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कई बार पूछी गई है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट दोस्तों क्या होती है, कंट्रोल प्लस F2। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस F2 है। रीसेंट डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट 17 फाइलें होती है जिसमें से 1 से 9 ऐसी फाइलें होती है जिनके आगे नंबरिंग लगी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन 10 से लेकर 17 के आगे नंबर नहीं लगे होते। इस लिस्ट को अगर 17 से बढ़ाकर आप अधिकतम करना चाहें तो कितनी कर सकते हैं, 50। ये 50 करने के लिए जाना कहां पड़ेगा, वर्ड ऑप्शन में। वर्ड ऑप्शन हमारे एमएस वर्ड की सारी सेटिंग चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। ये कंट्रोल बटन है, मिनिमाइज से क्या हो सकता है, प्रोग्राम टास्क बार पे आ जाएगा, रिस्टोर से विंडो का कैस्केड स्टाइल बन जाएगा, और क्लोज से आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, बंद हो जाएगा। दो बार मैंने बता दी है, सबसे पहली टास्क बार और दूसरी कौन सी पढ़ ली अपनों ने, टाइटल बार। टास्क बार की पोजीशन स्क्रीन के बॉटम में है, टाइटल बार की पोजीशन स्क्रीन के दोस्तों कहां है, टॉप के अंदर है। चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट बार के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट अगर बार की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास ये एमएस वर्ड चल रहा है, आप सबको पता है एमएस वर्ड में सबसे ऊपर वाली बार कौन सी है, ये हमारे पास कौन सी बार है, टाइटल बार। ये कौन सी बार आ गई, टास्क बार। इस टास्क बार के ऊपर भी एक पट्टी होती है दोस्तों, बार बनी होती है। सबसे ऊपर वाली बार का नाम क्या है, आप सबको पता है सबसे ऊपर वाली बार कौन सी है, टाइटल बार। सबसे ऊपर वाली बार कौन सी है, टाइटल बार। सबसे नीचे वाली बार कौन सी है, टास्क बार। कौन सी है, टास्क बार। टास्क बार के ऊपर भी एक बार होती है दोस्तों, इस बार का नाम मैं यहां लिख रहा हूं, जिसका नाम क्या होता है, स्टेटस बार। क्या होता है, स्टेटस बार। टास्क बार के जस्ट ऊपर वाली पट्टी होती है उसका नाम क्या है, स्टेटस बार। अब देखिए दोस्तों ये जो पट्टी है, इस पट्टी की बात करें, इस बार की बात करें, तो इस बार का नाम क्या है, स्टेटस बार। स्टेटस बार फाइल के स्टेटस के लिए, फाइल के स्टेटस के लिए हम कौन सी बार का यूज करते हैं दोस्तों, स्टेटस बार का यूज करते हैं।
फाइल के स्टेटस के लिए हम कौन सी बार का यूज करते हैं? स्टेटस बार का यूज करते हैं। सर कैसे स्टेटस का मतलब समझे नहीं, आपकी फाइल के अंदर स्टेटस बार तीन जानकारियां बताती है। स्टेटस बार आपकी फाइल की कितनी जानकारियां बताती है? तीन। या आपकी फाइल से संबंधित कितने स्टेटस रखती है? तीन। ये केवल लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं मैं, राइट साइड पे अलग बात करेंगे। लेफ्ट साइड में हमारे पास तीन जानकारियां होती है। पहला आता है नंबर ऑफ वर्ड्स। अगर आपसे पूछे आपके दस्तावेज में वर्ड कितने हैं, तो आपने कहा जी 100 वर्ड है, ये कहां से पता चला? स्टेटस बार से। दूसरा पता चलता है नंबर ऑफ पेजेज। और तीसरा होता है करंट लोकेशन ऑफ कर्सर। स्टेटस बार से कितनी जानकारियां लेफ्ट साइड से? तीन। कौन कौन सी है? नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ पेजेज, करंट लोकेशन ऑफ है कर्सर। मान लो आपने यहां से लेकर यहां तक 10, 20, 50 वर्ड लिखे। अब आपको ये देखना है कि कितने शब्द लिख दिए, तो वो कहां दिखाई देगा? स्टेटस बार पे। आपकी फाइल में 10 पेज है, कितने पेज है? 10 पेज में 10 पेज है, तो नंबर ऑफ पेजेज कितने हैं? 10। मान लो आप काम कर रहे हैं 7 नंबर पेज पे, तो वो कैसे दिखाएगा? 7/10। 7/10 का मतलब है टोटल पेज कितने? 10। और आप काम कहां कर रहे हो? 7 नंबर पेज पे, तो करंट लोकेशन ऑफ कर्सर पूछे तो कहां पे है? 7 पे। टोटल पेज कितने हैं? 10। ये भी जानकारियां कहां से मिलती है दोस्तों? स्टेटस बार की लेफ्ट साइड से। तो स्टेटस बार की लेफ्ट साइड से फाइल का करंट स्टेटस पता लगाया जा सकता है। करंट स्टेटस में तीन बातें होती है, एक तो होता है नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ पेजेज और करंट लोकेशन ऑफ कर्सर। सबसे नीचे वाली बार टास्क बार के जस्ट ऊपर दोस्तों कौन सी बार है? स्टेटस बार है। सबसे नीचे वाली बार टास्क बार स्टेटस बार की लेफ्ट साइड से हमें फाइल का क्या पता चलता है? स्टेटस पता चलता है। हो गया क्लियर? फाइल के स्टेटस की अगर बात करें तो फाइल के स्टेटस में तीन जानकारियां हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ पेजेज और करंट लोकेशन ऑफ कर्सर है। हो गया क्लियर? अब देखिए दोस्तों, अगर बात करें इस साइड की, ये राइट साइड वाला पार्ट है स्टेटस बार की। राइट साइड से ध्यान देना, स्टेटस बार की राइट साइड से हमें दो जानकारियां मिलती है। स्टेटस बार की राइट साइड से हमें दो जानकारी मिलती है। एक जानकारी मिलती है दोस्तों लेआउट की। किसकी जानकारी मिलती है? लेआउट की। और एक जानकारी मिलती है दोस्तों जूम की। एक लेआउट की जानकारी मिलती है और एक क्या मिलती है? जूम की। एमएस वर्ड में जो लेआउट है दोस्तों वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है प्रिंट लेआउट। क्या आता है? प्रिंट लेआउट। सबसे पहले कौन सा है? प्रिंट लेआउट। उसके बाद क्या आता है? वेब लेआउट। प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। उसके बाद क्या आता है? आउटलाइन। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? ड्राफ्ट। और उसके बाद क्या आता है? फुल स्क्रीन। क्या आता है? फुल स्क्रीन। दोस्तों अगर फुल स्क्रीन की बात करें तो 2021 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है दोस्तों? रीड मोड कर दिया है। क्या कर दिया है? रीड मोड। तो आपके लेआउट कितने होते हैं? 5। और पांचों के पांचों हमें कहां दिखाई देते हैं दोस्तों? स्टेटस बार पे। यहां होता है प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट और फुल स्क्रीन होते हैं। 2021 में फुल स्क्रीन का नाम बदल कर क्या कर दिया है? रीड मोड कर दिया है। जूम की अगर बात करें तो जूम से भी दो जानकारियां मिलती है। एक तो मिलती है दोस्तों जूम स्लाइडर। एक तो यहां क्या होता है? जूम स्लाइडर। पूछ ले कि जूम स्लाइडर कहां होता है तो बता देना स्टेटस बार पे। और एक जानकारी मिलती है जूम की। एक तो जूम स्लाइडर की जानकारी मिलती है और एक किसकी जानकारी मिलती है? जूम की। जूम स्लाइडर की अगर बात करें तो इस तरीके से एमएस वर्ड में क्या बना होता है? जूम स्लाइडर बना होता है। इस प्रकार से ये सिंबल बना होता है। अब जूम स्लाइडर ये होता है मिनिमम कितना? 10% और मैक्सिमम कितना? 500%। अब ये जो सिंबल है ये कितने पे रुका हुआ है? मान लो 100% पे है, तो जूम तो बता रहा है कितने परसेंट पे रुका हुआ है। और ये पट्टी जो है ये आप इससे क्या कर सकते हो? कम और ज्यादा कर सकते हो। ये जो बीच वाला स्विच होता है दोस्तों इसको हम बोलते हैं मैग्नीफाई स्विच। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाई स्विच। ये भी किसी एक पेपर में पूछा गया था कि मैग्नीफाई स्विच जो होता है वो कौन सी बार पे होता है, तो स्टेटस बार पे होता है। स्टेटस बार से लेफ्ट साइड से फाइल का स्टेटस और राइट साइड से आपको किसका पता चलता है? लेआउट और जूम का। लेआउट की अगर बात करें तो लेआउट कितने हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं? प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट और फुल स्क्रीन। अगर बात करें 2021 के अंदर तो फुल स्क्रीन का नाम बदल कर क्या कर दिया? रीड मोड कर दिया है। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड का लेआउट क्या होता है आप सब जानते हैं? प्रिंट लेआउट होता है। एमएस वर्ड में जूम मिनिमम कितना? 10% और मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 500%। लेफ्ट साइड से फाइल का स्टेटस क्या क्या पता चलता है? नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ पेजेज, करंट लोकेशन ऑफ कर्सर।
अब ये जानकारी थी कौन से बार की दोस्तों, स्टेटस बार की। अब स्टेटस बार पे यहां आपको क्या दिखाई देते हैं दोस्तों, जितने भी हमारे क्या होते हैं स्पेल मिस्टेक या एरर होते हैं उसके बारे में जानकारी कहां मिलती है दोस्तों, स्पेल मिस्टेक या जो एरर होते हैं उसकी जानकारी भी कहां मिलती है दोस्तों, स्टेटस बार पर दिखाई देती है। ये सारी जानकारी होती है किस पर, स्टेटस बार पर। क्लियर होगी बात। सबसे नीचे वाली बार टास्क बार, टास्क बार के ऊपर बार कौन सी है, स्टेटस बार, और सबसे ऊपर वाली बार कौन सी है, टाइटल बार है। सबसे ऊपर वाली बार कौन सी है, टाइटल बार है। अब देखिए दोस्तों अपनों ने कौन कौन सा पार्ट पढ़ा है एक बार देखिएगा। सबसे पहले मेन स्क्रीन पर एक बार होती है टास्क बार, इसके बारे में राइट साइड में सिस्टम ट्रे है, लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं है, तो विंडो 8 है। विंडो 8 में क्या थे, लाइव टाइल्स है। विंडो 11 में स्टार्ट बटन सेंटर में आ गया। अगर बात करें एमएस वर्ड स्टार्ट करने के बाद स्क्रीन के नीचे भी बार होती है और स्क्रीन के ऊपर भी बार होती है। ऊपर वाली बार का नाम क्या है, टाइटल बार। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में ऑफिस बटन, ऑफिस बटन केवल और केवल 2007 में। राइट साइड में हमारे पास क्या है दोस्तों, कंट्रोल बटन है। उसके बाद हमने जो बार पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है, स्टेटस बार। चलिए और इंपॉर्टेंट बार की बात करते हैं। सबसे पहले जब आप एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं तो एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं तो इस प्रकार से ये पट्टी आपके सामने स्क्रीन पे होती है। सबसे नीचे वाली बार टाइटल बार, सॉरी टास्क बार, टास्क बार के ऊपर स्टेटस बार, सबसे ऊपर वाली बार टाइटल बार। एक टाइटल बार के नीचे भी दोस्तों क्या होती है, बार होती है। सबसे नीचे वाली बार, बोलिए भी, सबसे नीचे वाली बार कौन सी है, टास्क बार। ठीक है सर, सबसे नीचे वाली बार टास्क बार, टास्क बार के ऊपर वाली बार स्टेटस बार, सबसे ऊपर वाली बार टाइटल बार, और उसके नीचे वाली बार कौन सी है, टैब बार है। कौन सी बार है, टैब बार है। सबसे ऊपर वाली बार टाइटल बार, सबसे नीचे वाली बार टास्क बार, टाइटल बार के नीचे वाली बार टैब बार है। अब टैब बार कैसे होती है, जैसे व्हाट्सएप होता है ना उसमें टैब होते हैं, जैसे चैट है, स्टेटस है, कॉल्स है, तो एक इससे पहले कम्युनिटी ग्रुप का आ गया है तो हमारे पास चार टैब बन गई है। कम्युनिटी ग्रुप का हो गया, चैट का हो गया, स्टेटस का हो गया, कॉल्स का हो गया। वैसे ही हमारे एमएस वर्ड में क्या होते हैं दोस्तों, टैब्स बने होते हैं। कौन कौन से टैब होते हैं और ये कौन सी बार पे होते हैं दोस्तों, टैब बार पे। एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे यहां पर क्या होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, इस तरीके के क्या होते हैं, टैब होते हैं। तो पूरे पार्ट को पढ़ते हैं अपने। सबसे पहले क्या है, टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे क्या है, टैब बार है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं किसके बारे में, टैब बार के बारे में। अब अगर बात करें टैब बार की, तो इस टैब बार पर अलग अलग पार्ट है। सबसे पहले जो वर्जन है उसके टैब लिखेंगे किसके, 2007 के, 2007 के टैब। फिर लिखेंगे 2010, 2013, 2016 के टैब। फिर लिखेंगे 2019 के टैब, 19 के टैब, और फिर लिखेंगे 2021 के टैब। अब ये पूरा पार्ट अगर समझ जाएंगे तो पूरा एमएस वर्ड का जो आपका बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अच्छा सवाल बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। अगर बात करें एमएस वर्ड की 2007 की बात, तो 2007 की टैब बार पर टैब की संख्या 7 होती है। 2010, 13, 16 की टैब बार पर टैब की संख्या 8 होती है। 2019 की टैब बार पर टैब की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। और इधर टैब बार की संख्या कितनी होती है, 11, 7, 8, 10 और 11, 7, 8, 10 और 11, 7, 8, 10 और 11। देखिएगा सबसे पहले टैब शुरू करते हैं 2007, और 2007 में कितने टैब है, 7। कौन कौन से हैं देखिएगा, सबसे पहला जो टैब आता है 2007 में वो हमारे पास क्या आता है दोस्तों, होम। सबसे पहला कौन सा आता है, होम, इंसर्ट, होम इंसर्ट, पेज लेआउट, होम इंसर्ट, याद होने चाहिए आप सबको, होम इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, रिव्यू और व्यू, होम इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। 2010, 13, 16 पे कितने टैब है, 8। यहां पर एक नया टैब आ गया, पहले कौन सा, फाइल, फाइल के बाद क्या है, होम, होम के बाद क्या है, इंसर्ट,
उसके बाद क्या है पेज लेआउट, होम इंसर्ट पेज लेआउट, होम इंसर्ट पेज लेआउट, उसके बाद आएगा रेफरेंस, रेफरेंस, उसके बाद आएगा मेलिंग, उसके बाद आएगा रिव्यू, और रिव्यू के बाद दोस्तों क्या है व्यू। सिर्फ अगर आपको चेंज पता चला हो तो यहाँ ऑफिस बटन था और ऑफिस बटन यहाँ नहीं है। अब ऑफिस बटन इधर था तो फाइल टैब नहीं था, इधर ऑफिस बटन को हटा दिया तो इधर क्या आ गया फाइल टैब आ गया, और बात करेंगे इधर टैब कितने हैं 10 हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा, सबसे पहले क्या आएगा फाइल, फाइल के बाद हमारे पास क्या है होम, फाइल होम इंसर्ट डिजाइन, यहां पेज लेआउट नहीं, इसका नाम केवल केवल क्या है लेआउट, होम फाइल होम इंसर्ट डिजाइन लेआउट, उसके बाद क्या है रेफरेंस, रेफरेंस, उसके बाद क्या है मेलिंग, मेलिंग के बाद क्या है दोस्तों रिव्यू, रिव्यू के बाद क्या है दोस्तों व्यू, और व्यू के बाद दोस्तों क्या है हेल्प है। देखिएगा फाइल होम इंसर्ट डिजाइन लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यू व्यू हेल्प, इधर कितने हैं 8, फाइल होम इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यू व्यू, इधर कितने हैं 7, होम इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यू व्यू। अब ये टैब की संख्या कम ज्यादा हो जाती है जब आप टेबल इंसर्ट करते हो, वर्ड आर्ट पे काम करते हो, हेडर पे काम करते हो, फुटर पे काम करते हो, तो भी 2021 में ये 11 होते हैं। बता दीजिए कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आता है फाइल, फाइल होम इंसर्ट, फाइल होम इंसर्ट ड्रॉ डिजाइन, एक नया आ गया ड्रॉ डिजाइन, उसके बाद हमारे पास क्या है लेआउट, क्या है लेआउट, उसके बाद है रेफरेंस, लेआउट के बाद है रेफरेंस, रेफरेंस के बाद है मेलिंग, मेलिंग के बाद दोस्तों है रिव्यू, रिव्यू के बाद दोस्तों क्या आता है व्यू, और व्यू के बाद क्या आता है हेल्प। देख लो भी 11 हो गए क्या पूरे, 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11, इधर 10, इधर क्या है 11, इनमें और इनमें क्या चेंज है। देखो अगर आप सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, हम ये नहीं सोच सकते कि ये सवाल आएगा या नहीं आएगा, पढ़ना अपना काम है, मेहनत करना अपना काम है, किसी भी चीज को अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो हो सकता है आपको उसका नुकसान हो सकता है, इसलिए हर एक चीज को पढ़ के जाइए जो सिलेबस में आपको दिया हुआ है। तो जितने भी आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो उनमें आपके सवाल पूछे गए हैं, इसलिए हर एक चीज को अच्छे तरीके से करके जाइएगा, याद भी करके जाइएगा। दोस्तों अभी किसी के अंदर पूछा गया था, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था कि कौन सा एक टैब है जो एमएस एक्सेल का नहीं है या एमएस एक्सेल का है, पूरा मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, बट मुझे इतना पता है कि टैब से कोई सवाल पूछा गया था। टैब बार पर हमारे पास टैब कितने हैं 7, 8, 10 और 11, और देखिएगा अगर इधर बात करें तो सबसे पहला टैब कौन सा है दोस्तों, होम है, अंतिम टैब कौन सा है, पहला कौन सा है होम और अंतिम कौन सा है व्यू। इधर अगर बात करें पहला कौन सा है फाइल है, अंतिम कौन सा है व्यू है, अंतिम कौन सा है व्यू है। इधर अगर बात करें तो पहला कौन सा है फाइल है, पहला कौन सा है फाइल है, अंतिम क्या है हेल्प है, अंतिम क्या है हेल्प है। इधर अगर बात करें तो पहला कौन सा है फाइल है, अंतिम कौन सा है हेल्प है, अंतिम कौन सा है हेल्प है। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, जब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं ना तो व्हाट्सएप में चैट स्टेटस कॉल्स 3 थे, अब आ गया इससे पहले कम्युनिटी ग्रुप का। जब भी आप व्हाट्सएप चलाते हो तो क्या कम्युनिटी ग्रुप पे होते हो क्या, जब भी आप व्हाट्सएप चलाते हैं दोस्तों तो सबसे पहला जो टैब दिखाई देता है या एक्टिव भी होता है वो हमारा क्या होता है चैट होता है। पहला तो कम्युनिटी ग्रुप का आ गया लेकिन जो एक्टिव है वो कौन सा है चैट है। तो अगर यहां से पूछे कि यहां पर पहला टैब कौन सा है होम और एक्टिव भी कौन सा होता है होम, पहला कौन सा है फाइल बट एक्टिव कौन सा है दोस्तों, एक्टिव अगर आपसे पूछे तो एक्टिव कौन सा है होम, इधर भी एक्टिव पूछे तो कौन सा है होम और इधर भी एक्टिव पूछे तो कौन सा है दोस्तों होम है, एक्टिव पूछे तो होम है। ये सारे के सारे टैब बार के क्या आगे दोस्तों, टैब पहला बता दिया, लास्ट बता दिया, किसके बाद क्या है, टोटल संख्या कितनी है, हो गया क्लियर। अब देखिए वापस, तो ये वाली जो बार थी इस बार का नाम क्या है दोस्तों टैब बार पे, अगर 2007 की टैब बार होगी तो पहला टैब आएगा होम,
और 2007 के बाद कोई भी टैब बार होगी तो पहला टैब आएगा क्या, फाइल। पहला टैब आएगा क्या, फाइल। अब होम और फाइल की देखते हैं कहानी क्या है, होम और फाइल की कहानी और कंप्लीट करते हैं। एक अपने पास टैब है कौन सा, सॉरी होम और फाइल की नहीं, अपने बात करें ऑफिस बटन और फाइल के बारे में। तो एक अपने पास टैब है कौन सा दोस्तों, ऑफिस बटन। कौन सा है, ऑफिस बटन, इसकी बात देखते हैं। और एक अपने पास क्या है दोस्तों, फाइल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फाइल टैब की बात करते हैं। सबसे पहले अगर ऑफिस बटन की बात करें तो ये केवल और केवल कौन से वर्जन में था, 2007 में। फाइल टैब कहाँ है दोस्तों, तो 2010 से लेकर 2021 के जितने भी वर्जन है, 10, 13, 16, 19 और 21 है, सब में क्या आ गया, फाइल टैब। ये ऑफिस बटन कौन सी बार पे पढ़ के आए हो आप है, टाइटल बार पे। कौन सी बार पे पढ़ के आए हो, टाइटल बार पे। और जो हमारा फाइल टैब है ये भी आप पढ़ के आए हो कौन सी बार पे दोस्तों, टैब बार पे। कौन सी बार पे, टैब बार पे। ऑफिस बटन है दोस्तों, इसका काम क्या है, न्यू ओपन सेव सेवेज प्रिंट प्रीव्यू। उसके बाद क्या आता है, रीसेंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या आता है, वर्ड ऑप्शन। इन सब काम के लिए 2007 में किसका यूज किया जाता था, ऑफिस बटन। अब 2007 के बाद ऑफिस बटन था नहीं, तो ये सारा काम किसको दे दिया, फाइल को। तो फाइल का काम क्या होता है, न्यू ओपन सेव सेवेज प्रिंट प्रीव्यू रीसेंट डॉक्यूमेंट वर्ड ऑप्शन। कहने को तो कुछ भी हो सकता है, इसमें एक इन्फो नाम का ऑप्शन भी होता है। अभी ये जो विद्युत विभाग में सूचना सहायक की भर्ती आई थी ना, उसमें थोड़े टाइम पहले एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था कि इन्फो ऑप्शन कौन से टैब में होता है, तो फाइल में। इन्फो का यूज किस लिए करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्या करना हो, प्रोटेक्ट करना हो, वो इन्फो। प्रिपेयर और वर्ड ऑप्शन, इन सब काम के लिए हम किसका यूज करते हैं, फाइल टैब का यूज करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, एक छोटी सी लाइन अगर आपको काम आ सकती है तो, नाम बदल गया स्थान बदल गया। नाम था ऑफिस बटन, हो गया फाइल टैब, स्थान था टाइटल बार, आ गए टैब बार। नहीं बदला तो काम नहीं बदला, काम था न्यू ओपन सेव सेवेज का, आज भी काम है न्यू ओपन सेव सेवेज का। इसका मतलब पहले था ऑफिस बटन, नाम बदलकर क्या कर दिया, फाइल टैब, टाइटल बार पे आ गया टैब बार पे। यानी कि ऑफिस बटन था टाइटल बार पे, फाइल टैब आ गया टैब बार पे, काम था न्यू ओपन सेव सेवेज का ऑफिस बटन के पास, अब आ गया किसके पास, फाइल टैब के पास है। तो ये लाइन भी आप याद रख सकते हो, नाम बदल गया, स्थान बदल गया, काम नहीं बदला। नाम था ऑफिस बटन, हो गया फाइल टैब, स्थान था टाइटल बार, आ गए टैब बार पे। काम क्या क्या है कि आप सबको पता है, न्यू ओपन सेव सेवेज, इधर भी क्या है, न्यू ओपन सेवेज। 2010 से लेकर 21 तक इन्फो नाम के ऑप्शन का यूज डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है दोस्तों, और ये कहां होता है, फाइल टैब में उपलब्ध होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करें टैब बार की, तो इसमें हमारे पास एक बार नीचे और होती है जिसका नाम होता है रिबन बार। क्या होता है, रिबन बार। रिबन बार के नीचे हमारे पास क्या होता है, एक रूलर बार। हमारे पास यहां एक बार होती है वर्टिकल स्क्रोल बार, और एक यहां बार होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। 1, 2, 3 और 4, चार तो ये रहेगी, एक रहेगी क्विक एक्सेस टूल बार, एक अपने पास होती है फॉर्मेट टूल बार। इनके बारे में बात अपने करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा दोस्तों। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतरीन क्लासेज के लिए, कंप्यूटर विषय की बेहतरीन तैयारी के लिए, आप भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम चैनल को और एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके की एक बेहतरीन क्लास के साथ फिर मुलाकात होगी दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।